भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत को लेकर रीवा जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और महापौर ने उठाए गंभीर सवाल। इनका साफ तौर से कहना था, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जमकर बढ़ा है। इनसे जब बेरोजगारी व महंगाई की बात करो तो ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे रीवा सर्किट हाउस में और सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया। साथियों, शिवराज सिंह जी की सरकार आज 23 मार्च को प्रदेश की एक युवा नीति घोषित करने जा रही है। ये वो सरकार है जिसमें 10,298 छात्र और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। बेरोजगारों को लूट रही शिवराज सरकार व्यापम में परीक्षा फीस से 1,000 करोड़ रुपए वसूले। शिवराज सरकार युवा नीति नहीं बना रही, युवाओं की दुर्गति की नीति बना रही है। मध्य प्रदेश के गौरवमय प्रजातांत्रिक इतिहास पर खरीद फरोख बदनुमा दाग साबित होती भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 23 मार्च 2023 को प्रदेश की युवा नीति घोषित करने जा रही है। इस अवसर पर बीते 18 साल की भाजपा सरकार की युवाओं को लेकर नीति और नियत का मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है, जिसको आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचना चाहिए और लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस सरकार ने 18 वर्ष में क्या किया। व्यापम युवाओं के भविष्य बेचने की नीति। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की बोली लगाकर विश्व के सबसे व्यापक अभिवस्त व्यावसायिक परीक्षा मंडल के घोटाले को आकार दिया। इस घोटाले का पहला अपराध पीएमटी फर्जीवाड़े के से संबंधित 10/12/6/2004 अपराध क्रमांक 242/4। इसके बाद 13 से अधिक सरकारी नौकरी भर्ती प्रवेश परीक्षाओं में 75 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया गया। पुलिस कांस्टेबल, खाद निरीक्षक, चैन टेस्ट सूबेदार, उपनिरीक्षक तथा प्लाटून कमांडर, मिल्क फेडरेशन जैसे अनेक भर्ती परीक्षाओं में घोटाला किया गया। मेडिकल कॉलेज का भर्ती घोटाला तो व्यापम से भी बड़ा है। इसकी स्वयं की जांच माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस 2006 में विधानसभा में कराने के लिए स्वीकारा था, मगर हजारों युवाओं के भविष्यों को बर्बाद करने वाले इस घोटाले पर अब तक पर्दा डाल रखे हैं और उन्होंने जांच नहीं कराई। स्वयं सीबीआई ने इस घोटाले की व्यापकता को देखते हुए सर्वोच्च अदालत से में इसकी जांच में असमर्थता व्यक्त की थी। बेहद शर्मनाक तथ्य है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने न सिर्फ युवाओं के भविष्य को लूटा अपितु बीते 10 साल में उसने बेरोजगार युवाओं से 1,046 करोड़ रुपए फीस के रूप में वसूल कर 455 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा भी कमाया। राज्य सरकार ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि बीते साल 7 वर्षों में उसने 106 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 424 करोड़ 36 लाख रुपया और 1 करोड़ 24 लाख आवेदकों से वसूली है। अभी युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा में इस बात को स्वीकारा है कि प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर 37,80,669 शिक्षित एवं 1,12,470 अशिक्षित रोजगार आवेदक रोजगार की बाट जोड़ रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 से अब तक अर्थात बीते 3 वर्षों में मात्र 21 लोगों को शासकीय और शासकीय कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये जो तथ्य हैं, ये प्रमाणित तथ्य हैं जो RIT सूचना का अधिकार के माध्यम से विधानसभा के माध्यम से स्वीकारे गए हैं, निकाले गए हैं। मैं आप लोगों के सामने, हमारे जिला के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हमारे बड़े भैया आदरणीय राजेश शर्मा जी हैं, लखनलाल जी हैं, मैं राजेश शर्मा जी चाहूँगा कि
उन विषयों पर प्रकाश डालें जो उच्च शिक्षा का है, CMI का है, ये सब खुलासे स्वयं बताएं। इसको जानना जरूरी है, ये जनता तक पहुंचना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विभिन्न किस्म के भर्ती घोटाले हुए। फीस के माध्यम से पैसा वसूलना एक नया तरीका है इस सरकार का। 1,000 करोड़ रुपए वसूले फीस के माध्यम से, कई तो परीक्षाएं निरस्त हो गए। अभी हाल में आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ते होंगे, हर 10वीं का पेपर लीक तो आज 12वीं का पेपर लीक। ये क्या है? ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परिस्थिति कैसी है? हमारे मध्य प्रदेश में 37,80,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड, जो अभी रजिस्टर्ड हैं, ये शिक्षित हैं। 1,12,000 अशिक्षित बेरोजगार हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको उम्मीद ही नहीं है रोजगार की, इसलिए वो जाते ही नहीं रोजगार कार्यालय में। ये रोजगार कार्यालय का सीन है। पिछले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इतने वादों के बाद मात्र 21 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 21,000 लोगों को, 21 लोगों को रोजगार दिया है। ठीक, मध्य प्रदेश में कुल 2.5 करोड़ लेबर फोर्स, ऐसे लेबर जो लेबर डिपार्टमेंट में पंजीयन है जिनका, ये लेबर फोर्स है मध्य प्रदेश में केवल 2.5 करोड़ की लेबर फोर्स है। और 2.5 करोड़ जो लेबर फोर्स है इसमें इनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो 38%, मतलब 2.5 लाख में मात्र ये 38% लोगों को, 90-95 हज़ार लोगों को, लाख लोगों को दे पाते हैं। 2.5 करोड़ में 90-95 लाख लोगों को ये रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं लेबर को। युवाओं का भविष्य अंधकार में है, इसके लिए तो बड़े दुख के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक आंकड़ा कि 6,000 पोस्ट पटवारी की निकलती है, 6,000 पोस्ट पटवारी की निकलती है, उसके लिए 12 लाख युवा आवेदन करते हैं। 12 लाख युवाओं में 4 लाख युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, MBA हैं और PhD हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारा जब अभिभावक एक बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजता है तो क्या उसकी कीमत चुकाता है? आज की तारीख में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मतलब 50-55 हज़ार, फिर महीने की फीस अलग, फिर उसके बाद अगर वो भोपाल इंदौर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो रीवा का छात्र वहाँ 5,000 रुपये में कमरा लेके रहता है, 10-15 हज़ार उसके खर्चे होते होंगे। इस खर्चे के बाद वो क्या करता है? एक उदाहरण मैंने आपको बताया पटवारी का, 1,333 चौकीदार और चपरासी की पोस्ट निकली है मध्य प्रदेश में। इसके लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है? 4 लाख लोगों, 1,333 पोस्ट के लिए 4 लाख लोग आवेदन करते हैं, जिसमें 62,000 इंजीनियर। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम कितने उम्मीदों से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन कराते हैं और फिर ये दुर्गत उसकी होती है। जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, हमारा आंकड़ा बता रहा है प्रतिवर्ष के हिसाब से, 10,298 छात्रों ने आत्महत्या की और इसमें 6,999 लोग, मतलब लगभग 7,000 बेरोजगार हैं जिन्होंने आत्महत्या की। उच्च शिक्षा की दुर्गत ये है कि यूनिवर्सिटी में 6.5 लाख स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस में 18 लाख हैं और कुल मिला के मध्य प्रदेश में 25-26 लाख छात्र ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, जो किसी तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन। और युवाओं का उसमें क्या प्रतिशत है? उनमें मध्य प्रदेश के उपलब्ध युवाओं का केवल 27% ऐसा युवा है जिसको हायर एजुकेशन प्राप्त हो रहा है। ये आज की स्थिति। मध्य प्रदेश में प्रति लाख व्यक्ति 29 कॉलेज, 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन पे 29 कॉलेज है मध्य प्रदेश में, जबकि अगर यही फिगर आप केरल में देखोगे तो 50% है, कर्नाटका में 62% है, तेलंगाना में 53% है, तमिलनाडु में 40% है और आंध्रा में 49% है। और मध्य प्रदेश में केवल 21 कॉलेज हैं प्रति लाख लोगों के, जबकि तमिलनाडु में 40 है। साथियों, ये है मध्य प्रदेश का सरकार की नियत और नीति युवाओं को लेकर। आज ये नई युवा नीति घोषणा कर रहे हैं, युवा नीति के माध्यम से क्या कर रहे हैं? सारे सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग चल रही है, सारे कर्मचारियों को कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो उनको ये प्रशिक्षित किया जा रहा है, कर्मचारियों को, बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को, स्टाफ्स को ये प्रशिक्षित किया जा रहा है
कि हमको भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे करना है। युवा नीति के नाम पे आप देख लीजिए, सारे कॉलेज स्कूल उठा के देख लीजिए, सब जगह प्रशिक्षण चल रहा है। युवा नीति के संवाद का प्रशिक्षण चल रहा है, जो इनका कार्यक्रम होना है भोपाल में, आज होना है उसका चल रहा है। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मऊगंज को जिला बनाने का आंदोलन चलाया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उस आंदोलन से विवश होकर उन्होंने मऊगंज को जिला बनाया। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने जमीनी आंदोलन नहीं किए। अभी आप सोचिए, जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर 11 तारीख को हम लोगों ने एक प्रदर्शन पद्धर पार्क में किया, आवारा पशु को लेकर किया आंदोलन। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने लक्ष्मण तिवारी से चलाया था। अब युवराज सिंह के सुखेंद्र सिंह बन्ना ने ही आंदोलन चालू किया, लक्ष्मण तिवारी ने किया। लक्ष्मण आरंभ किसी ने किया हो, उसको मूर्ति का मूल रूप तो सुखेंद्र सिंह ने दिया। सुखेंद्र सिंह बन्ना के आंदोलन की सरकार मजबूरी है। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने 50,000 गिरफ्तारी दिया, इसका आंकड़ा है 50,000 गिरफ्तारी का। पशु को अलग हुआ। तहसील बिजली की समस्या को लेकर हम लोगों ने हर तहसील में किया, हर ब्लॉक में किया, हर जगह धरना किया, और नगर निगम क्षेत्र में तो लगातार आंदोलन करते ही रहे। पानी को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो हाथ से पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है, बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, उसमें आप मान के चलिए कि लोकतंत्र के जितने हथियार हैं सब फेल है। संसद चलने नहीं देना, विधानसभाएं चलने नहीं देना, डिस्कशंस होना नहीं, किसी की कोई चर्चा सुनना नहीं, मीडिया को उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। जैसे ही बेरोजगारी की आप बात करोगे तो वो किसी धर्म और जाति और संप्रदाय और किसी देश की बात शुरू कर देंगे, आपका ध्यान बांट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोकतांत्रिक तरीकों से संसद में या इवन इंस्टीट्यूट्स, बड़ा दुख की बात है हमारी कि जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने पंगु बना दिया, गुलाम बना लिया संवैधानिक संस्थाओं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास और सारे विपक्षी दल के पास केवल एक विकल्प बचता है, और वो है कि हम लोकतंत्र के सबसे बड़ा जो हमारा लोकतंत्र का हथियार है जनता, उसके बीच में जाएं, तथ्यों को लेकर जाएं, सच को लेकर जाएं और उनको सच से अवगत कराएं। हमको निश्चित इस बात पे विश्वास है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में काबिज किया था, उसी तरीके से इस बार हम लोग भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से यही लड़ने का तरीका है, यही जनता का भला करने का तरीका है। जब हमारी सरकार आएगी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी पहले दिन से ही चीजों को सही तरीके से मूर्ति रूप में लाने के प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपका भी प्रयास 8 महीने बाद शुरू होगा? 8 महीने तक हम जनता को बीच में मुद्दे लेके जाएंगे और सड़कों पर जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। जैसे कि अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ ओले की और अतिवृष्टि से कितनी फसलों का नुकसान हुआ, हमने तत्काल कांग्रेस पार्टी की ओर से एक हमने जांच दल गठित किया, जिसमें हमारे पूर्व सब विधानसभा प्रत्याशी हैं जो अपने क्षेत्रों में घूम के हमको 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे, हम कलेक्टर से मिलेंगे। और जैसा कि अभी जमीनी हकीकत पता चल रही है हमको कि जो पटवारी जिस वगैरह हैं वो सर्वे में बदमाशी कर रहे हैं, सर्वे में हीला हवाली है, अब खेत में पानी भर गया तो भी खेत फसल सड़ जाएगी, पर उसको वो मुआवजे की कैटेगरी में नहीं रखते, वो उसी को मान रहे हैं जहां ओला गिरा, और उसमें भी वो आंख से आकलन कर रहे हैं कि 10% 5% 15%। तो इसके माध्यम से क्या होगा? तो इसके लिए हमें जन आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, और वो जन भारतीय जनता पार्टी की युवाओं के प्रति नियत है। यही आज हम इस तथ्य को लेकर आपके बीच में आए हैं।